झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। गेहूं के निर्यात से जुड़ी बड़ी खबर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के पास गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की तत्काल कोई योजना नहीं है और इसलिए इसे उन देशों को अनुमति देना जारी रहेगा जो जरूरतमंद हैं, मित्रवत हैं और जिनके पास साख पत्र है। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने दुनिया में अस्थिरता का हवाला दिया और कहा कि अगर भारत को प्रतिबंध हटाना है तो उनका मानना है कि इससे केवल कालाबाजारी करने वालों, जमाखोरों और सट्टेबाजों को मदद मिलेगी, न कि वास्तव में कमजोर और जरूरतमंद देशों को। वहीं ये भी कहा गया है कि इस साल गेहूं के उत्पादन में 7-8% की वृद्धि की उम्मीद थी, लेकिन गंभीर गर्मी के कारण उत्पादन का नुकसान हुआ। स्थिति को देखते हुए उत्पादन जो हम कर रहे हैं वो घरेलू उपभोग के लिए फिलहाल पर्याप्त है। गेहूं निर्यात प्रतिबंध को साफ करते हुए पीयूष गोयल ने ट्वीट कर लिखा, भारत से जरूरतमंद देशों, पड़ोसी देशों, ऋण पत्र वाले देशों को गेहूं का निर्यात जारी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत ने केवल 2 साल पहले गेहूं का निर्यात करना शुरू किया था और यह अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार में पारंपरिक खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल 7 LMT गेहूं का निर्यात किया गया था, इसमें भी सबसे ज्यादा पिछले 2 महीनों के भीतर किया गया था जब रूस यूक्रेन युद्ध तेज हुआ। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि भारत का गेहूं निर्यात विश्व व्यापार का 1% से भी कम है। हमारे निर्यात विनिमय को वैश्विक बाजारों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। हम कमजोर देशों और पड़ोसियों को निर्यात की अनुमति देना जारी रखते हैं। आपको बता दें कि 14 मई को सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया था कि कई कारकों से उत्पन्न होने वाले गेहूं की वैश्विक कीमतों में अचानक वृद्धि को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। हालांकि विशेष शर्तों के तहत इस वस्तु के निर्यात की अनुमति दी जाएगी और ये आदेश 2 दिन बाद आया जब सरकार ने गेहूं निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कई देशों में व्यापार प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया था। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण एक प्रमुख गेहूं उत्पादक देश जो यूरोपीय बाजार का एक बड़ा आपूर्ति करता है, वैश्विक कृषि बाजार अस्थिर हो गया है। आदेश में आगे क्षेत्र में अपने पड़ोसियों के बीच भारत के गेहूं की आवश्यकता का हवाला भी दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि फिलहाल गेहूं की कीमतें स्थिर होती दिखाई दे सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।